आज 5 फरवरी 2022 छत्रीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में एक चौथी जमात में पढ़ने वाली लड़की के साथ उनके स्कूल टीचर छेड़खानी करे बोल के एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन छत्रीनाका में आया, जिसके ऊपर जिस कंप्लेंट पे हम केस रजिस्टर करके तहकीकात जारी किए हैं। इसके तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि ये जो स्कूल टीचर हैं इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है बल्कि इनिशियली मालूम हो रहा इन्हों जो है अपने घर से अलायदा होके एक कोई छोटे से रूम में रह रहे बल्कि मालूम हुआ थोड़ा डिप्रेशन में गए और इनका जो है साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा बल्कि मालूम हो रहे फ़िलहाल। मेरे साथ हमारी टीम है, हमारी टीम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, और मेरे तरफ से एक सभी पेरेंट्स को एक नसीहत या सुझाव या फिर रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी ऐसे हादसे अगर स्कूल में पेश आए बच्चों के साथ, स्कूल में हो या फिर कहीं भी हो, ऐसे कोई हादसे पेश आए तो उसको जो है चलो पहली बार ऐसा हुआ, आइंदा फिर हुआ तो हम देखेंगे इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे बल्कि जो है अपने आप को तसल्ली दे के बैठने से फ़ायदा नहीं है। दूसरे बड़े हादसे होने के इम्कान बहुत रहते। अगर ऐसे कुछ हादसे छेड़खानी या फिर कोई भी इश्यूज़ होते बच्चों के साथ या फिर किसी के भी साथ तो उसको जो है जल्द अज जल्द कंसर्न ऑफिशियल्स यानी पुलिस है या फिर जो है अगर स्कूल टीचर्स कर रहे हैं तो स्कूल का मैनेजमेंट है या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके नोटिस में अगर ले जाया जाए तो मज़ीद ऐसे बड़े हादसे होने से जो है रोका जा सकता। और एक मेरी एक मीडिया से एक दरख्वास्त ये है कि हादसे को बढ़ा के बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ीद उसके ऊपर जो है क़ानूनन कार्रवाई सख्त से सख्त क़ानूनन कार्रवाई की जाएंगी, क्योंकि हादसा रहता एक उसको जो है बड़ा चढ़ा के उसके अंदर मसाले लगा के उसको इतना बड़ा और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तरह जो है बताया जा रहा है, उससे जो है फ़ायदा कुछ नहीं है। मीडिया अगर कुछ ऐसे हादसों के अंदर कुछ ऐसे ये मसालेदार न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए, वायरल करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो क़ानूनन कार्रवाई की जाएगी। ये जो केस रजिस्टर हुआ है उसके अंदर पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मज़ीद आईपीसी सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया गया है। अभी जो गवर्नमेंट ये सर है अभी उनको स्कूल के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, मगर इनके जो हायर ऑफिसर्स है इनके पास इनकी रिपोर्ट भेजेंगे इनके ऊपर जो भी हादसा हुआ वो लोग कंसर्न डिपार्टमेंट वाले देख लेते हो।